आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। एक लंबे समय बाद आजम खान जेल से बाहर आ गए। कल उन्हें अंतरिम जमानत मिली और उसके बाद आज आजम खान जेल से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अब उत्तर प्रदेश की आगे की राजनीति किस ओर जाएगी, आजम खान खुद किस ओर जाएंगे, इन सब सवालों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आजम अब नए ठिकाने की तलाश में हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आजम किसी से भी नाराज नहीं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल 814 दिन बाद आजम खान अपने 80 से ज़्यादा मुकदमे यानी करीब 88 मुकदमों में जमानत मिलने के बाद आज जेल से बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कल इन्हें अंतरिम जमानत दी उनके आखिरी मुकदमे में और उसके बाद आज सुबह आजम खान सीतापुर की जेल से बाहर आए। उम्मीद वही थी जिसने सबके मन में जगह बना रखी थी, जो अटकलें चल रही थी कि आजम के पास सबसे पहले अगर कोई पहुंचेगा तो वो होंगे प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, और हुआ भी कुछ उसी तरह। शिवपाल सिंह यादव समय से पहले सीतापुर जेल पहुंच गए थे। शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान की अगवानी करी, उसके साथ वहां पर आजम खान के दोनों बेटे भी मौजूद थे। और आजम खान जब बाहर आए तो बाहर आने के बाद उनकी अपनी जो जनता थी, उनके अपने जो कार्यकर्ता थे, उनके मन में काफी उत्साह भी देखने को दिखाई दिया। एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद आजम खान आज बाहर तो आ गए, लेकिन बाहर आने के बाद से ही लगातार अब ये अटकलें शुरू हो गई कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर जाएगी, क्योंकि 24 का चुनाव है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार राजनीतिक दलों में रस्साकशी चल रही है, लगातार एक दूसरे को बनाने और बिगाड़ने का काम चल रहा है। सरकार चाहती है कि विपक्ष पूरी तरह से नतमस्तक रहे, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारा जो काम है, वो जनता के बीच मजबूती से दिखता रहे, और विपक्ष चाहता है कि कुछ भी करके सरकार की खामियों को दिखाया जा सके। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे में भी उलझा हुआ है कि आखिर वो अपने साथियों को, वो अपने लोगों को कैसे एकजुट करके रखे। लगातार विपक्ष के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं और वो नेतृत्व है अखिलेश यादव। आज भी कुछ उसी तरह से हुआ, जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जाएंगे, लेकिन आजम खान से वो मिलने तो नहीं गए। और उसके बाद जब आज आजम खान जेल से बाहर आए तो उस दौरान भी अखिलेश यादव वहां पर मौजूद नहीं थे। सवाल कई सारे खड़े हो गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता सीतापुर नहीं पहुंचा और कोई प्रतिक्रिया भी अखिलेश यादव या किसी भी नेता की तरफ से खास नहीं आई। हालांकि कुछ बयान जरूर आए हैं, उन बयानों में ये बात जरूर कही गई है कि न्याय की एक लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते आजम खान बाहर आ गए हैं और इस लड़ाई को जीतने के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक नई इबारत लिखी जाएगी। ये इबारत वाली बात शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कही गई है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि आजम भाई एक लंबी लड़ाई लड़के बाहर आए हैं, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई इबारत लिखी जाएगी। वो इबारत कैसी होगी, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव आजम खान एक साथ कहीं और जा सकते हैं या फिर अपनी पार्टी को शिवपाल सिंह यादव मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आजम खान वो नाम अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि एक तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जेल से बाहर आना, और उसके बाद जब जेल में वो थे तो उस दौरान उत्तर प्रदेश के लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से उनके ऊपर डोरे डाले गए थे। चाहे वो शिवपाल सिंह यादव की बात कर ली जाए, जब शिवपाल इस पूरे मामले में एग्रेसिव दिखाई दिए, जब उन्होंने आजम खान को लेकर के बयान दिए, नेताजी के ऊपर भी सवाल खड़ा किया, तब अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं सक्रिय होते हुए दिखाई दिए। हालांकि अखिलेश यादव ने जिन नेताओं को आजम खान से मिलने के लिए भेजा था उनसे आजम खान ने मुलाकात नहीं की, और उसके बाद जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि जयंत चौधरी की तरफ से भी आजम खान को मनाने की कोशिश की गई, मायावती तक ने आजम खान के मुद्दे को लेकर के ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, बयान जारी किए, तो इससे ये साफ साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ये राजनीतिक दल आजम खान को काफी तवज्जो देने में लगे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, केंद्र की राजनीतिक दलों में सबसे अहम पार्टियों में शामिल कांग्रेस भी अपने नेताओं को आजम खान के करीब करीब पहुंचाने में कामयाब रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम इसमें सबसे ऊपर है। प्रमोद कृष्णम लगातार आजम खान के लिए, आजम खान के साथ दिखाई देते रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव के साथ दिखाई देते रहे हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले 24 के चुनाव में ये सब मिलके कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे। और अखिलेश यादव का क्या होगा, इन सब विषयों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है।
यह भी चर्चा करना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में 23 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होगा, क्या उस विधानसभा सत्र में आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव एक तरफ दिखाई देंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार जिसके मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम दूसरी तरफ दिखाई देगी, या फिर उस विधानसभा सत्र की तस्वीर कुछ और होगी जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव उनकी टीम, दूसरी तरफ आजम खान, शिवपाल सिंह यादव की टीम और तीसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम। ये देखना अहम होगा कि आखिर इस बार विधानसभा सत्र की तस्वीर कैसी रहेगी, वो पोर्टिको कैसा रहेगा जहां पर ये सभी नेता बैठेंगे और कौन किसके खिलाफ, कौन किसके साथ खड़ा होते हुए दिखाई देगा। हालांकि अखिलेश यादव के ऊपर आज भी कई सारे सवाल आजम खान के समर्थकों ने लगाए हैं, आजम खान के भाई की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आए हैं जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि हम अखिलेश यादव को अपना नेता नहीं मानते हैं, अखिलेश यादव ने मुसलमानों के साथ ठीक नहीं किया है। अब ये ठीक कैसा होता है ये भी इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, इस डिबेट के जरिए हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और उस बयान के बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। ये आजम खान साहब जो जेल से बाहर आए हैं, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनकी जमानत हुई है और जो ये कि उनके आने से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को याद है 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा का चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव। तो आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने भाजपा के खिलाफ कैंपेन किया है और उनके जेल के बाहर रहते भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाती रही है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी हमारी सरकार ही बनती रहती है। आजम खान साहब का जेल से बाहर आना न्याय की जीत है। जिस तरह से सत्ताधारी ताकत ने द्वेष और नफरत की बुनियाद पर विपक्ष के साथ कैसा बुरा बर्ताव किया जा सकता है ये भारत में एग्जाम्पल नहीं मिलता, लेकिन आज उन्हें न्याय मिला है। माननीय आजम खान साहब समाजवादी आंदोलन के देश के बड़े नेताओं में से हैं, हम उम्मीद करते हैं जल्दी उनकी सेहत होगी और वो पब्लिक लाइफ में अपनी जनता के बीच में, उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में वो साथ में होंगे। मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मिसम जैदी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सत्यजीत अतवारा हमारे साथ प्रसपा से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आरिफ महमूद हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं और सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हैं। सभी मेहमानों को इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सत्यजीत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने एक लड़ाई की शुरुआत की, उस लड़ाई को आप लोगों ने आज जीत लिया, आजम खान बाहर आ गए, अब उम्मीद लगाई जाए कि अब आप लोग आने वाले विधानसभा सत्र में अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की समस्याएं बढ़ाते हुए नजर आएंगे या फिर राजनीति का एक नया गणित शुरू होगा उत्तर प्रदेश में। देखिए नितिन जी, स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि पहले तो बहुत खुशी की बात है और प्रसन्नता की बात है कि आदरणीय आजम खान साहब जो है जेल के सलाखों से बाहर आ चुके हैं जी, और 814 दिन की बात आपने की, करीब करीब 27 माह होते हैं, 27 माह से वो डिटेन है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 10 बार के विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य रह चुके, कई बार उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में रह चुके, आदरणीय आजम खान के ऊपर इतने मुकदमे लाद दिए गए, 84 मुकदमे लाद दिए गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस बात को कहा कि क्यों नहीं आजम खान साहब को छोड़ा जाता है, अगर आजम खान को नहीं छोड़ा जा रहा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगी। और आज देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही उनको रिलीफ मिलती है, राहत मिलती है। यहाँ किसकी कमी तो सबसे पहले किसने जानबूझ कर ये सब करवाया? नहीं देखिए, साफ बातें हैं, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, ये सारी चोरी का मामला कई रिपेट में कर चुका हूँ, बार बार इस तथ्य को मैंने उठाया है। तो इस तरीके के मुकदमे तो नहीं लगने चाहिए थे, किताब चोरी के मुकदमे तो नहीं लगने चाहिए थे, लेकिन अगर सरकार जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित थी और सरकार ने लगातार मुकदमे लादे जो है, तो हमें लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, प्रदेश में हो या देश में हो, इस तरीके कृत्य नहीं करना चाहिए। तो शासन देखिए, अगर उन्होंने कोई कृत्य किया था, गलत तरीके से कृत्य उनके थे,
तो उसके ऊपर एलिगेशन लगना चाहिए था, किसी व्यक्ति को चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो उसको जेल में जाना चाहिए, डिटेन होना चाहिए, मुकदमे चलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि किताब चोरी जैसे छोटे छोटे मामले, अंडा चोरी, बकरी चोरी जैसे मामले आदम खान साहब। सत्यजीत जी, दूसरी चीज, एक चीज ये पूछ रहा था, ये अखिलेश यादव की तरफ से ना कोई प्रतिक्रिया खास आई, ना अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई नेता वहां पर पहुंचा, क्या कारण रहा? देखिए ये तो आदमी अखिलेश यादव जी ही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को जब आज आजम खान साहब निकल रहे थे जेल के सलाखों से तो उनको वहां होते था, अच्छा चलिए ना होते ठीक है, लेकिन कम से कम उनको ये करना चाहिए था अपने यहाँ से समाजवादी पार्टी से इनको आदरणीय रामगोपाल यादव जी को भेजना चाहिए था। और कम से कम आदरणीय रामगोपाल यादव जी होते, देखिए बहुत बड़ा कद है आजम खान साहब का जी। उन्होंने 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था तो उसके संस्थापक सदस्य हैं, और संस्थापक सदस्य ही नहीं है, समाजवादी आंदोलन के पुरोधा हैं, और समाजवादी आंदोलन का पुरोधा अगर वो विषम परिस्थितियों में है, दुख में है, तकलीफ में है और भयावह स्थिति में है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आदरणीय अखिलेश यादव को आगे बढ़ के काम करना चाहिए था। पुराना रुतबा जो समाजवादियों का था आंदोलन करने का और सड़कों पर उतरने का, वो करना चाहिए था। लेकिन देखिए नितिन जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जब सामने आए उसी के बाद सारे नेता लोग आना शुरू, उसके बाद फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी जगे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी जगे हैं, इनको पहले जगना चाहिए, ठीक है, इनको पहले आकर के मोर्चा लेना चाहिए था। अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है और सरकार गलत, ये माना जाए कि ना माना जाए, 23 तारीख से जो सत्र शुरू होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा का, उसमें साथ रहेंगे आप लोग अखिलेश यादव के कि नहीं रहेंगे? देखिए मैं क्लियर कर दीजिए ना, नहीं चाहूंगा, गौरव जी के लिए भी सही रहेगा उस हिसाब से तैयारी करेंगे, लेकिन 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 मैं चुप रहते हुए कहूंगा कि हकीकत में खामोशी कभी भी चुप नहीं रहती, कभी तुम गौर से सुनना बहुत किस्से सुनाती है। आप बात घुमा रहे हैं, आप सही नहीं बता रहे। तो जाहिर सी बात है, और रही बात ये जो है, इतना मैं अंत में कहूंगा कि देखिए आजम खान साहब नाराज हैं, इसमें कोई दो राय। अच्छा, आजम खान साहब की तरफ से तमाम बयान भी जारी हुए और आदरणीय शिवपाल सिंह की स्थिति को बखूबी सब लोग जानते कि क्या स्थिति, कुछ नहीं था, कोई दूरी नहीं थी और ना कोई मतभेद था, ना कोई विभेद था, सिर्फ फर्क इतना था पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, ठीक है सर, कितना आसान था इलाज मेरा, बहुत आसान था, लेकिन मिजाज तो पूछना चाहिए था, ठीक है। आजम खान साहब से मिलते, जाते, समझते, देखते, दुख दर्द में शामिल होते, बस सब चीज ठीक था, ठीक है, ठीक सर, ठीक सर, कितना बड़ा दुख। मैं आता हूँ मिसम जैदी समाजवादी पार्टी से। मिसम भाई, दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये सत्यजीत जी कह रहे हैं कि आप लोगों में से कोई भी नहीं पहुंचा, अखिलेश जी को जाना चाहिए था, किसी और को भेज देते, कोई नहीं गया, जब जेल में थे तब भी नहीं, आज जब जेल से बाहर आए तब भी नहीं, क्या कारण रहा, कैसे अब आजम खान और शिवपाल सिंह यादव आप लोगों के साथ आएंगे, सत्यजीत जी कह रहे हैं। श्री आजम खान जी की आज रिहाई हो गई, और एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सत्य विचलित नहीं होता, सत्य पराजित नहीं होता, और अंधकार सत्य की जीत हुई और आजम खान जी बाहर आ गए। बहुत बहुत बधाई उनको और उनके तमाम परिवार को और लोगों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। अब रही बात आने और जाने की, देखिए ऐसा है कि हृदय से कौन चाह रहा था और कौन राजनीतिक प्यार कर रहा था और कौन किस मकसद के तहत उनको उनके मिलने जा रहा था, ये सब जग जाहिर है, ये छुपाने वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीछे रह करके पर्दे के पीछे, देखिए जब कोई मूवी बनती है तो अक्सर लोग स्टार को जानते हैं, एक्टर को, एक्ट्रेसेस को जानते हैं, तो मतलब शिवपाल जी का कोई राजनीतिक मकसद है। मेरा कहने का मतलब, नहीं मैं बात पूरी कर रहा हूँ अपनी, इसमें इसमें जो पटकथा होती है उसमें मेन रोल उसका होता है जिसने कहानी लिखी होती है, जो उसका निर्देशक होता है, जो उसका डायरेक्टर होता है। अब तलक के जो भी माननीय आजम खान जी के लिए जो बुनियादी मदद वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहुंचाई, और मैं भी समाजवादी पार्टी में हूँ और मैं जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी कभी किसी अपने साथी को नहीं छोड़ती है, वो चाहे कोई भी हो, और माननीय आजम खान जी तो समाजवादी पार्टी के गॉड फादरों में से हैं और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में से हैं। जिस वक्त उनको
उनको ये एहसास था कि जिस तक उनको बीमारी से जूझ रहे थे और कोरोना काल में जिस तरह से आप देख रहे थे कि इंसान की जिंदगी का कोई महत्व नहीं बना था, उस टाइम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उनको मेदांता भेज करके डॉक्टरों की पूरी टीम लगा करके और खुद स्वयं जाकर निर्देशित किया था और उनका इलाज कराया था। तो सज्जीत जी तो कह रहे हैं कि कभी पूछा ही नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं की कि कैसे है कैसे नहीं है। देखिए देखिए मैं किसी की बात को नहीं मानता, अगर उनको ऐसा लगता है तो उनके परिवार के बीच हो गए, उन्होंने उनके बेटे से बात करी, उन्होंने उनकी धर्म पत्नी जी से बात करी, किसी से लगातार संपर्क में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हुए थे और लगातार वो उनकी मदद कर रहे थे। और दिखावे का काम हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ मगरमच्छ के इतना आंसू बहाए जाते हैं घड़ियाली आंसू, और ना ही किसी तरह का कोई जो है वो राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह का कार्य किया जाता है। और ये समाजवादी पार्टी से लेकर के माननीय आजम खान जी स्वयं और उनकी धर्म पत्नी और उनके बेटे ये सब जानते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनकी मदद करी है। आज सपा का कोई भी नेता क्यों नहीं गया मिसम भाई? आज समाजवादी पार्टी का कैसे आप कह सकते हैं, बहुत से लोग नेता नहीं गए। सज्जीत जी कह रहे हैं कोई नहीं गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से नेता थे हमारे समाजवादी पार्टी के जो उनके साथ में थे। मैं आपको कोट कर दूं। अच्छा ये 23 तारीख से जो सत्र होगा, 23 तारीख मैं ये कह रहा हूँ 23 तारीख से ये जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें आप लोग साथ रहेंगे या सब अलग अलग रहेंगे? एक बात आप बताइए, जब आप देख रहे हैं कि अलायंस बन रहे हैं सामंतवादी सरकार को और इस तरह की तानाशाही सरकार को रोकने के लिए एकजुट होने का कार्य कर रहे हैं और वहीं पर हम अलग हो जाएंगे? नहीं तो सत्यजीत जी तो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं ना, उन्होंने भी कुछ क्लियर किया है बिल्कुल से। किसने क्लियर किया? सत्यजीत जी ने क्लियर किया है बिल्कुल से कि बहुत मुश्किल है साथ आ पाना, कुछ इस तरह से कह रहे थे वो। सत्यजीत जी का कोई आधिकारिक बयान ये थोड़ी है, ये उनका शीर्ष नेतृत्व का बयान थोड़ी है, तो उनकी राय होगी। अच्छा। हर आदमी इतना स्वतंत्र है अपनी राय देने के लिए। हाँ। भाई अगर उनके सत्यजीत जी ने उनके जो बड़े आला नेता हैं जो उनके शीर्ष नेतृत्व, क्या उनका कोई आधिकारिक बयान हो? मतलब आपको अभी भी उम्मीद है कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा? भाई एक बात बताइए कि आजम खान जी जिस पार्टी को जीत करके यहाँ तक लाए हैं, जिसकी कदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी करते हो, तो वो आदमी अपना घर परिवार छोड़ करके चला जाएगा। और ऐसे वक्त में जिस वक्त उनको जरूरत होगी, जिस वक्त हमको जिस वक्त लड़ने के लिए हमको एक मजबूत विरोधी दल बनाना है, जिस वक्त हमको अपोजिशन को मजबूत करना है और विरोधी नेता दल बन करके बैठना है, माननीय आजम खान जी का हमको तजुर्बा चाहिए है, हमें उनके बातों पर अमल करके भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता को मजबूत करने के जहाँ अहम फैसले लेने हो, वहाँ पर माननीय आजम खान जी छोड़ करके हमको नहीं जा सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, हम ही है जो सबसे मजबूत चेहरा है जो विपक्ष के रूप में आज भी सदन में बैठे। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी से। गौरव जी, सत्यजीत जी कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो मुकदमे लगाए गए, पहली चीज तो वो जिसमें किताब चोरी है, अंडा चोरी है, जमीन का भी मामला है, ये सब तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दूसरी चीज इस पर आपसे जवाब जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसे मुकदमे क्यों लगाए गए। दूसरी चीज ये कि आज वो आज वो जमानत पे बाहर आ गए हैं, तो अब क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बदलाव आएगा? अगर ये तीनों नेता एक साथ आते हैं तो आप लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा है कि यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। इस शुरुआत से कितना खतरा आप लोगों को लग रहा है कि हो सकता है? अधिकार है और वो सबको मिलता है, मिलना भी चाहिए, और आजम खान साहब को भी मिला है, तो उसको लेकर के कोई ऐसा कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोर्ट ने ऐसा नहीं कि बरी कर दिया है सभी मुकदमों में, चाहे अंडा चोरी हो जैसा आप बता रहे हैं, जो मुकदमे लगाए गए हैं, सत्ता की हनक में आजम खान साहब तमाम सारे अत्याचार गरीबों के ऊपर किए थे और उन्हीं गरीबों ने इन मुकदमों को कराया है, तो न्यायालय तय करेगा कि उसमें इनका कन्विक्शन होगा या नहीं होगा, बचेंगे या जाएंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि बहुत सारे मुकदमों में इनका कन्विक्शन भी हो जाएगा। तो एक बात तो साफ है। हाँ, रही समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी अपने और पराए, अंदर वाले और बाहर वाले दोनों के द्वंद से बहुत बुरी तरह से जूझ रही है, और ये संकट अभी भी समाजवादी पार्टी में बरकरार है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो MY फैक्टर पे ये राजनीति करते हैं, जो वोट बैंक का MY फैक्टर है इनका, उसमें M फैक्टर जो है अब वो अपने हिस्सेदारी मांग रहा है। अभी अभी हमारे मित्र ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके अनुभव की हमें आवश्यकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको देखना स्वीकार्य नहीं है।
तो इस प्रकार का द्वंद नेतृत्व का जो एक संघर्ष है वो साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं फेयर शेयर की बार्गेनिंग शुरू हुई है। यद्यपि समाजवादी पार्टी ने ही आजम खान साहब को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, चाहे वो विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, पैरेलल टू मुख्यमंत्री रहे, सब कुछ समाजवादी पार्टी से ही मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी से फिर बार्गेनिंग करने का एक जो प्रवृत्ति है, जो चरित्र है, वो जिस वोट बैंक को वो का प्रतिनिधित्व करते हैं या क्लेम करते हैं उसका यही चरित्र है कि आप हमको सियासत दीजिए, सत्ता दीजिए और उस सत्ता के हनक में हम संविधान को ताक पर रखकर के, कानून को ताक पर रखकर के मनमाना करेंगे। तो अब वो स्थिति उत्तर प्रदेश के राजनीति में दिखाई नहीं दे रही, इसलिए एक संकट की स्थिति समाजवादी पार्टी में है निर्णय को लेकर की। वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस मुद्दे पर उनके साथ जाएं, किस मुद्दे पर ना जाएं, किसको छुए किसको ना छुए। इसलिए शिवपाल जी वहां दिखाई देते हैं, आजम खान साहब के साथ दिखाई देते हैं, 20 घंटे के बाद अखिलेश जी का ट्वीट आता है उनके पक्ष में। तो ये सब सारी बातें बता रही है कि कहीं सब कुछ ठीक चल नहीं रहा है। हाँ, इनके पास कोई विकल्प नहीं है, संभव है कि अंततः फिर वो एक ही पर्दे में बैठे हुए दिखाई दे, लेकिन ये बात तो बहुत साफ है कि नेतृत्व का संघर्ष साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है और ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, कुछ दिन और इंतजार करिए। ठीक है, मैं आता हूँ। आरिफ महमूद हमारे साथ आरएलडी से। आरिफ भाई, जयंत चौधरी गए थे कुछ दिनों पहले रामपुर, आज नहीं कोई गया, ना समाजवादी पार्टी से ना आपकी पार्टी से, और सत्यजीत जी की बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी नाराजगी है आजम खान के मन में भी। शिवपाल जी तो पहले नाराज हैं, क्या करेंगे भाई आप? देखिए नितिन भाई, आज आजम खान साहब की रिहाई हुई है। अभी जब इनका करीब 37-38 मुकदमों में इनको जमानत मिली थी, तो एक बार उसी डिबेट पर कहीं टीवी पर मैंने कहा था आजम खान साहब के लिए कि जो है तारीख के सफहे पे सुनाता हूँ मैं, राज के राज दुलारों को बताता हूँ मैं, वक्त आएगा जब ये जंजीरें कोहन टूटेगी, वक्त आएगा जब सुर्ख किरण फूटेगी और जिंदगी खून में नहाई तो निखर जाएगी, मौत इंसान से टकराई तो मर जाएगी। आज आजम खान साहब जिस तरीके से 28 महीने की जेल काट करके वो बाहर निकले हैं, जेल आप जमीन के मामले में उनको भेजते बहुत अच्छी बात थी, आप और सारे मामलातों में उनको भेजते आप बहुत अच्छी बात थी, अपना वो मुकदमा लड़ते। मगर अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी हमारे भी कह रहे थे कि अंडा चोर नहीं, अंडा चोरी में तो सत्यजीत जी भी कह रहे थे। सुनिए मेरी बात। अब गौरव जी, किताब चोर, गौरव जी ने मुर्गी उसी चीज़ चोर पे कहा। हाँ। इस तरह के जो इल्जाम लगा करके उस शख्स को जेल में डाला गया जो उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा चेहरा था राजनीति का, तो आदमी जेल में रह रहे करके इन छोटी छोटी बातों में भी वो कितना कुड़ता रहा होगा, आप उसकी कैफियत उस व्यक्ति की आप जान लीजिए कि क्या रहा होगा, कितनी अजियत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरीके के मुकदमा करा करके दिया। आप ये बताइए, किताब चोरी में डाल दिया, कौन सी किताब उन्होंने चुराई, चार्जशीट लगाई, आप किताब का तो नाम बता देते कि साहब ये किताब चुराई आजम खान साहब को पढ़ना। क्या किया, लड़ाई कैसे लड़ी, कहां लड़ी आप? नहीं देखिए, लड़ाई जब मुकदमा कायम हो जाता है तो लड़ाई सीधी सीधी फिर वो वकील और अदालत के बीच। आप लोग कह रहे हैं इतने मुकदमे लगा डाले तो उन मुकदमों को लेकर के भी आप लोग कुछ कर सकते हैं? मुकदमों को लेकर के आदमी कहाँ लड़ेगा आप बताइए। अरे भाई, उनके खिलाफ अगर नाइंसाफी हुई थी तो उस नाइंसाफी की तो आवाज उठा सकते थे। नाइंसाफी की आवाज, जैन जी उनके घर गए नाइंसाफी के लिए तो गए, आज तो क्या करने। नहीं, आज क्यों नहीं गए? हमारे भी राष्ट्रीय लोक दल के वहाँ पे जिला अध्यक्ष आरपी सिंह जी वहाँ पहुंचे हुए थे। जी क्यों नहीं माना कि कोई गया था वहाँ? नहीं, वो माने ना माने वो अपना उनका वक्तव्य है, वो अपनी उनकी जो जितनी जानकारी उनको होगी उतनी बताएंगे ये। मगर ये जो तरीका एक बदले की भावना की राजनीति जो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, देखिए ये खत्म होनी चाहिए। आप सत्ता में रह करके आप विपक्ष को भी आप एक जगह दीजिए। आप जब तक विपक्ष को आप जगह नहीं देंगे, विपक्ष अपनी बात आपके सामने नहीं रखेगा, तो आप बहुत अच्छी राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कर पाएंगे। जगह ले पा रहे हैं? नहीं, हम लोग जगह बारे हम लोग कहां नहीं लड़ पा रहे हैं नितिन जी, आप बताइए कहां नहीं लड़ पा रहे हैं? हम लोग हर जगह लड़ रहे हैं, हर जगह हम लोग खड़े हैं, हर जगह हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, मगर इनकी बातें इतनी मजबूती हो जाती है इनकी। क्यों हो जाती? आप देखिए, ज्ञान बाबी मस्जिद ले आए, महंगाई का मुद्दा कहाँ चला गया? हम लोग आप जब डिबेट बुलाते हैं, आज हम आपसे कहें कि भाई आप महंगाई के मुद्दे पर बात करिए, तो आप कहिएगा कि नहीं नहीं आज तो ये मुद्दा नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं महंगाई पे भी चर्चा कर चुका हूं, आप ये नहीं कह सकते। आप चलाइए महीने में, आप 5 दिन महंगाई की, आप नहीं, मैं बिल्कुल चलाता हूं महंगाई पे, मैं बिल्कुल चलाता हूं महंगाई पे। देखिए सुनिए मेरी बात, डिबेट से हल नहीं निकलेगा ना आरिफ भाई, कि मैं डिबेट करता रहूं तो हल निकल जाएगा? अरे हल निकालने के लिए आप लोगों को उतरना पड़ेगा भाई। डिबेट के ही माध्यम से आप घर घर पहुंचा देते हैं
कि अरे मतलब हम डिबेट करते रहे, न्यूज चैनल वालों की जिम्मेदारी, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं रहेगी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी है। हमने आपसे एक बार भी कहा था कि महंगाई के मुद्दे पर हम सड़क पर निकले थे, राष्ट्रीय लोकदल के लोग उत्तर प्रदेश के हर तहसीलों में जाकर के डीएम को ज्ञापन दिया, आपका एक भी बंदा, एक भी आपका रिपोर्टर वहां नहीं पहुंचा था। नहीं, ज्ञापन देने से क्या हुआ? ज्ञापन देने के बाद फिर क्या किया? राजनीति में विरोध का तरीका क्या होता है, आप मुझे बताइए। क्या उसमें जाकर के सर फोड़ा जाए, पत्थर लेकर के हम लोग चले जाए मारने के लिए? मानवता की हद पार कर दे, फिर आप ये कहेंगे, फिर आप ये कहेंगे वहां पर आपको लाठी चला। अरे सर सुनिए तो, आपने एक बार कर दिया, मैं मानता हूं, नहीं बराबर। उसके बाद क्या किया आपने? अभी आजम खान को लेकर के क्या किया आपने, ये बताइए। कानपुर में भी दिया, मुजफ्फरनगर में भी दिया, मेरठ में दिया, लखनऊ में हम लोग बराबर कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है तो हम क्या? अरे मुझे क्यों, मैं क्यों देखूंगा भाई? अरे फिर आप कह क्यों रहे हैं? क्यों ना कहूं मैं? जब आप आजम खान को लेकर के आप लोग ने कुछ नहीं किया, आप गिना रहे हो कि ऐसे ऐसे मुकदमे लगा दिए सरकार ने। नहीं आप बताइए, आपका रिपोर्टर क्यों, आप कहाँ है भाई? क्या आप सिर्फ डिबेट ही करने के लिए है क्या? आपके रिपोर्टर कहाँ है आप बताइए? मेरे रिपोर्टर हर जगह है। कहीं नहीं है आपके। अरे रिपोर्टर, कैसी बात कर रहे हैं आप बगैर जानकारी क्या बोलते हैं रिपोर्टर? चलिए ठीक है, आप जानकारी नहीं, अब आप मुझसे अपनी जानकारी, अपनी शेयरी आज कर लीजिए। क्या बता रहे थे इस वक्त? जैसे अभी आपने मुझसे कहा है कि हम लोग हर मुद्दे पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, किस मुद्दे पर आप लोग रिसेंट में दिखाई दिए जरा मुझे बताइए। आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, आप नहीं दिखाई दिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी? सुन लीजिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, आप नहीं दिखाई दे रहे। महंगाई हो, अरे कहाँ बोलते हो यार आप लोग, कहाँ पर बोलते हो आप लोग? मुझे बोलते हुए कहीं नहीं दिखाई दिए, आप मुझे बोलते हुए कहीं नहीं दिखाई दिए। आपके आपके कार्यालयों में, आपके पार्टी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहता है, आपको पता है? सच्चाई पता है आपको? आपके कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहता है, सच्चाई देखिए आप पहले। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया आपका, ठीक है। सुभाष यादव हमारे साथ, सुभाष नहीं आपके मानने से थोड़ी ना कुछ होगा, ठीक है, थैंक यू, हो गया आपका। सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी आपने तिलमिलाहट देख ली, जब मैंने आजम खान को लेकर के पूछा कि आप लोगों ने क्या किया, तो सवाल कई सारे हम भी लोग से पूछे जाने लगे। आरिफ भाई की आपने बात सुनी, क्या कहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात तो तिलमिलाहट तो मुझे भी दिखी, और सिर्फ वरन मुझे ही नहीं दिखी, वरन पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने भी देखी। क्योंकि जो सवाल आपने इनसे पूछा, तो जाहिर सी बात है वो कहावत सुनी होगी आपने, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो इनके पास आजम खान से संबंधित सवालों के जवाब है ही नहीं। ये महंगाई की बात कर रहे थे, जवाब आप दे दीजिए साहब। अरे बोल रहे हैं, इंटरप्ट ना कीजिए भाई, हमारे ऊपर आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अच्छा जवाब दे दीजिए प्लीज, इंटरप्ट ना कीजिए। अरे भाई इंटरप्ट ना कीजिए, बोलने तो दीजिए उनको, बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। आप एक सम्मानित पार्टी के प्रवक्ता है, सम्मानित जगह बैठे हैं, जब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए पहले, जब मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ तो आप भी मेरे बीच में ना बोले, सुनने की तो क्षमता रखे। मेरे ऊपर हमला कर देंगे, मैं आपके ऊपर हमला नहीं कर रहा हूँ। अभी आपसे जो सवाल पूछा गया था आजम खान से संबंधित, और डिबेट का शायद ये मुद्दा भी है आजम खान से लेकर, आजम खान के ऊपर जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तब आजम खान के सवाल पर आप जवाब न देते हुए सीधे सीधे आप इंटरोगेट कर रहे हैं प्राइम टीवी को, एंकर को, चैनल को। भैया आप मुद्दे की बात कर रहे हैं, महंगाई के मुद्दे पे बिल्कुल सही बात हुई नितिन जी ने, आप कहीं पे भी नहीं दिखे, पेपर लीक पे आप कहीं नहीं दिखे। अरे सब चीजें छोड़ दीजिए, सही मायनों में तो ये कि आप अपनी ही पार्टी के अंदर अभी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष के पहले जो थे, आप मुझे बोलना पड़ेगा, आप मेरी आप नहीं, पहले बोल लेने दीजिए, नहीं, आप जब बोल चुके थे तो वो नहीं बोल रहे थे, तो उनके पहले सुन लीजिए, फिर आइएगा प्लीज, फिर बोलिएगा, बारी बारी बोलिए। अरे भाई मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा था, मुझसे जो सवाल पूछे गए उस सवाल के ऊपर आ रहा हूँ। आपको इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही समझ में नहीं, इतना आप चिड़चिड़ापन क्यों दिखा रहे हैं? नहीं देर पर सुनिए ना उस चीज को, आप उस चीज को धैर्यपूर्वक तो सुनिए, बर्दाश्त करने की तो क्षमता रखिए। अब हर बात पे मतलब कुछ जाते हैं, हर बात पे कुछ जाते हैं, हमारी आलोचना ना करिए। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप किस बात पे, आप किस आधार पे आलोचना कर रहे हैं टीवी की? आप किस आधार पे चैनल की आलोचना कर रहे हैं? किस आधार पे आप चैनल की आलोचना कर रहे हैं? क्यों नहीं दिखता है आपको? नहीं पता क्या जिम्मेदार चैनल के मालिक आप कौन होते हैं? आपके राज्य आपको जनता ने सुनिए भाई, आरे भाई, आप
अरे आपने थोड़ी ना छुड़ाया भाई, आप इस तरह से बोल रहे हो। न्याय प्रक्रिया ही से तो आप चिढ़ गए, भी आस्था नहीं आप उसी पर चिढ़ गए साहब, प्रक्रिया पे भी आस्था नहीं है। मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ना, आप लोग मिलने गए, नहीं 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 ना आप लोग मिलने गए, ना आप लोगों ने कोई आवाज उठाई, और क्रेडिट आपको पूरा लेना है कि आजम खान को हम ही ने छुड़वाया है। मैं कब कह रहा हूँ मतलब है इसका, क्या झूठ बोल रहे हैं आप? मैंने कहा मैंने छुड़वाया जी, प्लीज डिबेट नहीं हो पाएगी। आरोप कोई नहीं लगा रहा आपके ऊपर, अगर आरोप लग भी रहा है तो आप उसको बोलिए, उस चीज को बताइए। ये कोई मतलब नहीं होता कि आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाने लग जाएंगे। नहीं नहीं, नहीं नहीं, आप चैनल पे आरोप लगा देंगे, आप पत्रकार पे आरोप लगा देंगे, आप रिपोर्टर पे आरोप लगा देंगे, ऐसे नहीं होता। प्लीज जस्ट मिनट, एक मिनट मैं थोड़ी सी बात इनसे कह दूं। आप जब मुझसे कोई सवाल कर रहे हैं और वो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं कि राष्ट्रीय लोक दल कहाँ है, तो मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रवक्ता बैठा हूँ तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, तो आप कि मैं यहाँ पर कह दोगे कि आप कहाँ दिख रहे हो, आपके रिपोर्टर नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, आप कहते हैं कि नहीं आप तो वहाँ है, मुझसे पूछ लोगे, गलत पूछ रहे हैं, आप गलत पूछोगे, क्यों नहीं पूछेंगे? आप मुझसे क्यों पूछोगे कि मेरे रिपोर्टर कहाँ दिखाई दे रहे हैं? हम सड़क पर हैं, हमको आप चलिए ठीक है, हो गया, थैंक यू, हो गया हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया। सुभाष जी बात पूरी कीजिए जी। पहली बात, इस तरह डिबेट नहीं होती, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, दिक्कत ऐसी है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है आजम खान को लेकर के। क्या जवाब आप चाह रहे हैं मालिक, आप तिलमिलाहट बताइए, क्या जवाब चाह रहे हैं? ठीक है, हो गया, प्लीज हो गया, आपका हो गया, पर आपने वहां रख दिया। अरे भाई प्लीज, अरे भाई प्लीज, हो गया आपका, ठीक है, थैंक यू। अरे भाई आप अपने मेरे सवालों को आप जवाब दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ तो आपकी जब बारी आएगी बोलने के लिए तब आप उस आरोपों का जवाब दीजिएगा, कम से कम बीच में तो इंटरप्ट ना करें। बीच में इंटरप्ट करना ही तिलमिलाहट को दर्शाता है। आप बोलिएगा, आपकी बारी जब आएगी तब दोबारा बोलिएगा आपकी सुभाष जी ने आरोप क्यों लगाया, ये आरोप कहाँ हो गए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मुझसे जो सवाल पूछे गए तो उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। आरोप आपने उल्टा लगाया टीवी चैनल के माध्यम से, टीवी चैनल के ऊपर कि ये कहीं दिख नहीं रहे, उसी प्रकार मैं भी ऊपर आप पे आरोप लगाना चाह रहा हूँ। आरोप लगा रहा हूँ कि इस महंगाई के मुद्दे पर आप नहीं दिखे, पेपर लीक के मामले पर आप नहीं दिखे। अभी आपने बोला कि आजम खान साहब छोड़कर तिलमिलाहट मेरे को दिख रही है, मुझे क्यों दिखेगी भैया? मैं क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ? न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश के अंदर जिसके ऊपर सबको आस्था, सबको ऊपर विश्वास है, उस प्रक्रिया के तहत आजम खान साहब जमानत पर छूटे नहीं कि बाइज्जत बरी हुए हैं। जिस दिन बाइज्जत बरी हो जाएंगे उस दिन आप बोलेगा कि हाँ सारे उनके ऊपर जो आरोप लगे तो गलत थे। रही बात बकरी चोरी की, अंडा चोरी की आरोप, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाए, ये इस डिबेट के अंदर प्रवक्ता माननीय अतवारा जी ने ये बात बोली थी। अब बकरी चोरी अगर उन्होंने की होगी तो जाहिर सी बात FIR दर्ज हुई होगी ना, अंडा चोरी की होगी दर्ज हुई होगी। जब आप एक तरफ आरोप लगाते कि नहीं ये आरोप बेबुनियाद है और आप एक तरफ बोलते कि नहीं हमारे को कानून की व्यवस्था के ऊपर पूरा, उसके ऊपर पूरा यकीन है, या तो दोनों बातों पर से एक बातों पर आप यकीन करिए कि नहीं मुझे कानून पर, भारत की संविधान की व्यवस्था पर पूरी तरीके से यकीन है। आइए रही बात आरोप प्रत्यारोप की, आपके पास अगर सवालों के जवाब हो तो सवालों के जवाब दीजिए, तिलमिलाट मत दिखाइए। ठीक है ठीक है, अच्छा, आप मुझे नहीं, नहीं, प्लीज, मैं नहीं, नहीं, आप बोलिएगा अपनी बारी में। नहीं नहीं, मैं आप में खाली आपसे डिबेट करने नहीं बैठा हूँ ना, मैं दूसरों से जवाब ले लूँ फिर मैं आपकी बारी पे आऊंगा। नहीं प्लीज, नहीं नहीं प्लीज सुनिए, अरे भाई मैं आपकी बारी पे आऊंगा, मैं आपकी बारी पे आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। सत्यजीत अटवारा साहब, ये क्या हो गया अचानक से, आरएलडी के नेता आरिफ महमूद इतना क्यों नाराज हो गए, इतना क्यों तिलमिलाने लगे जब आजम खान को लेकर के पूछ लिया गया तो? देखिए आरएलडी के शीर्षस्थ नेता जो है जब गए थे आदरणीय आजम खान साहब से मिलने के लिए, तो उस समय तो मिल के आए थे, उसके बाद यही बात जब आदरणीय अखिलेश यादव जी से पूछी गई थी कि क्या आरएलडी के नेता गए थे मिलने के लिए, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या आपने भेजा था, तो उस समय आदरणीय अखिलेश यादव ने बड़ी खींच व्यक्त की और उन्होंने पत्रकार से शायद थोड़ा बहुत गर्मजोशी से बात की। उसी तरह से भी मुझसे कहीं ना कहीं याद होगा आपको, वो पूरा प्रकरण भी याद होगा। तो कहीं ना कहीं जो है, देखिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी में भी कहीं ना कहीं कुछ हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है गलत हो या सही हो, लेकिन बगैर बताए आजम खान साहब से मिलने जाना आरएलडी के नेता का और उस पर खुन्नस व्यक्त करना अखिलेश यादव जी का, जयंत चौधरी अपने आप में नहीं, आपस में प्रदेश एक पार्टी चला रहे हैं, वो किससे पूछ करके जाएंगे आप बताइए, क्यों जाएंगे पूछ करके? अभी आप कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे कि आजम खान साहब जब छूट रहे थे तो आपके जिला अध्यक्ष वहां मौजूद थे। हाँ, गए थे। अरे आपको ये सोचना चाहिए था कि इतना बड़ा नेता छूट रहा है, आपका नेता जाना चाहिए था।
आपको इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों नहीं, आपका शीर्षस्थ नेता जाना चाहिए। मैंने कहा कि आदरणीय रामगोपाल यादव को जाना चाहिए था, मैंने कहा अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए था। अब आप कहते हो सुन लो, आप कहते हो हमारा वार्ड मेंबर गया था, आप कहते हो हमारा सभासद गया था, आप कहते हो हमारा जिला अध्यक्ष गया था, तो कम से कम इस तरह की बात तो नहीं करो। देखो जिला अध्यक्ष गया था, आप जब आजम खान साहब जैसी शख्सियत छूटते हैं तो उस समय आप जो है जिला अध्यक्ष को भेजते हो। नहीं, दूसरों को आप छोड़ दीजिए, आप गए थे, हमारे नेता गए थे आदरणीय शिवपाल। देखिए मैं प्रसपा का प्रवक्ता बोल रहा हूँ, भाई साहब पहले समझ बोले, हमारे नेता गए थे, हमारे नेता गए थे, अब क्या कहेंगे आप इस पे, आप बताइए नेताजी, आप सवाल ही जवाब करोगे। कह रहे कब गए थे नेताजी, इनको कुछ पता ही नहीं है, धरती घूम रही है, यही नहीं पता है। मेरी बात, नेताजी किस लिए गए थे? नेताजी इसलिए गए थे कि आजम खान साहब आ जाएं और समाजवादी पार्टी से हट करके हमारे साथ खड़े हो जाएं। अपना एक स्वार्थ छुपा हुआ है लोगों के बीच में, कोई तर्कसंगत बात करो, आपसे हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह से आप बात करेंगे तो डिबेट नहीं कर पाएंगे। आपका लहजा, आपका तरीका, अब आपके बोलने का ढंग, अब आपकी जो स्टाइल है, ये सब पता नहीं क्यों भाई कैसे डिबेट होगी इस तरह से। अरे आप बड़े कोई तथ्य नहीं है, कोई ना और है ना कोई छोर है, इस तरीके की बात ऐसे ही डिबेट होती है, इस तरह से डिबेट नहीं होती है, तो उसको तरीका नहीं है। आप ही सही बोलते हो, अच्छा एक चीज बताओ, आप ही सही बोलते हो, दूसरा कोई सही नहीं बोलता? मतलब आप जो बोलोगे वही सही है और बाकी जो लोग बोलेंगे वो सही नहीं है, कैसे काम चलेगा? डिबेट पे ऐसे बैठते हो आप, टेलीविजन चैनल पे ऐसे बैठते हैं? भाई साहब, भाई साहब बुरा मत मानिएगा, भाई साहब बुरा मत मानिएगा, ऐसे डिबेट नहीं होती है। जो ढंग आपका डिबेट करने का है, आप बताइए किसी भी व्यक्ति के बीच में, आप प्लीज, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये जो बोलेंगे वही सही होगा। अरे भाई प्लीज सुन लीजिए उनकी, आप पता नहीं क्या ये चाहते हैं, क्या किस तरह से डिबेट करना चाहते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। आप बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हो, बोलो जैन जी आपसे। मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, आप बीच में व्यवधान ना डालें। आप बहुत सही बोलते हैं, आप इतना सही बोलते हैं कोई बोल ही नहीं पाता, लेकिन कम से कम सुनो भी तो, सुनने की क्षमता भी तो रखो। आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्या बोलने, बोलिए आप बीच में बोलते रहते हो, क्या बोले? बोलिए आप, सच बोल दीजिए। क्या क्यों क्यों इतना खुन्नस खाए बैठे हो भाई, काहे इतना परेशान है? क्यों मामला, क्या मामला? मेरी कुछ नहीं है, झगड़ा विवाद हुआ है किसी? सवाल चुभ रहा है आप लोगों को कि जैन चौधरी जी आपसे सवाल करके जाएंगे? कौन सा सवाल है? जैन चौधरी जी, अकेले पूरी डिबेट को होल्ड कर लिए हो, पूरी डिबेट को होल्ड करके बैठ गए हो, निरर्थक बात कर रहे हो, बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए क्या बोले क्या ना बोले। अरे ठीक है, क्या बात करते हो इस तरह? अरे आप पता नहीं फालतू बात कर रहे हो, नहीं फालतू बात कर रहे हो, हमको किस नेता पर क्या आरोप लगाना चाहिए? आप यहाँ से कोई गया था नेता आजम खान साहब जब छूट रहे थे तो कोई गया था आपके यहाँ से? आप अपना बताइए, आप बताओ, आप जहाँ गए थे आप अपना बखान कर दो टीवी पर, आप मेरे लिए मत। ओहो आप कोई गया था, आप इसको अभी स्वीकार नहीं? जाऊँ या ना जाऊँ आपको इससे मतलब नहीं, आप अपना बखान करो बैठ करके। चलो अरे भैया आप अकेले इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं है, आप समाज का आईना है, समाज को जवाब देना पड़ेगा, 24 करोड़ की आबादी को जवाब देना पड़ेगा। कैसी बात करते हो? अरे चलो जवाब दो, आप जहां देना हो आप जवाब दे दो। कैसे हो गया आप? ठीक है भाई, हो गया। इस तरह से कोई बात ही नहीं कर पा रहा हूं मैं, उसके बाद बोलिएगा, सबके बीच में मत बोलिए प्लीज। चलिए आप नितिन जी से बात कर लीजिए। क्या बात, ठीक है। हाँ, सजीत जी हो गया आपका गौरव। देखिए हाँ, देखिए पहली बात तो इनकी बात से कोई भी सहमत नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से क्या उठा रहे हैं, क्या गिरा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। आपकी बात से कौन सा अरे भाई, इसके ऊपर नाराज नहीं है चार आदमी, आपकी बात से मैं ही नहीं सहमत हूं तो दूसरों क्या कहिएगा? आजम खान साहब के छूटने से कोई दिक्कत है आपको? आपको दिक्कत हो रही है आजम खान साहब बाहर आ गए, दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत हो रही है कि साहब अभी क्या दिक्कत हो रही है, कैसे ये छूट गए, अदालत ने उनको छोड़ दिया, अदालत से भी चिढ़ हो रही है आप सब लोगों को? इस तरह डिबेट नहीं होती ये। अरे भाई देखिए, अच्छा ऐसे डिबेट करनी है प्लीज, ऐसे डिबेट करनी है क्या बात कर, आप थोड़ी देर शांत रहिए, डिबेट का समय पूरा होने दीजिए, अपनी बारे में भी बोलें। जब अकेले 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 मैं आपसे बैठ करके बात कर लूंगा, ठीक है प्लीज, थैंक यू। गौरव जी, कोई पैनल अच्छा होता है तो डिबेट करने में भी नितिन जी अच्छा लगता है। पैनल आज सारे अच्छे हैं, लेकिन आरी महमूद पता नहीं क्यों इतना परेशान है, मुझे ही नहीं समझ आ रहा। हाँ पैनल अच्छे हैं, श्रेष्ठ पैनल है, हम देख रहे हैं जो है, लेकिन हमारे साथ आरी महमूद आज इतना बैठे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। देखिए अस्पष्ट है नितिन जी, अगर दो एक मिनट का समय हो तो हमारे समय में अगर बचा हो तो उसको मैं बोल दूं जो है। देखिए समाजवादी पार्टी का मैं तो प्रवक्ता हूं नहीं, मैं प्रसपा का प्रवक्ता हूं, लेकिन हमारा अपना मानना यह है कि अखिलेश जी को वहां जाना चाहिए था। और रही बात यह कि मुस्लिम नेताओं की जाति के धर्म और जात की राजनीति हम नहीं करते, लेकिन जब मुस्लिमों की बात आती है तो 31 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं और 31 विधायकों में जो है देखिए आजम खान साहब भी हैं। मेरा अपना मानना यह है जो है
कि जब इनके विधायकों पर कोई आफत आए, जैसे इरशाद खान ने कहा कि अखिलेश जी मुसलमानों के साथ नहीं खड़े होते हैं, सपा विधायक बरेली के जो है वो कहते हैं सहजिल इस्लाम साहब की टंकी पेट्रोल पंप गिरा दिया जाता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आती है। कैराना से नाहिद हसन का बयान आपने सुना ही होगा, जो है शफीकुर रहमान वर्ग का भी बयान आपने सुना होगा, तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की देखने की जरूरत है। देखिये मैं अपनी बात रखूंगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब बात आती है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में आदरणीय सुपाल सिंह आदरणीय अखिलेश यादव जी को आदरणीय सुपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद पे 2012 में अपने संघर्षों के बल पे बैठाने का काम किया था, इसमें कोई संशय नहीं है, और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का काम आदरणीय सुपाल सिंह यादव ने किया था। जब आदरणीय अखिलेश यादव जी आए थे 2012 में तो उससे पहले वो राजनीतिक नहीं थे, और राजनीति में न होने की वजह से भी उनको तमाम अनुभव नहीं था, 3-4 साल का अनुभव उन्होंने लिया, अनुभव के बाद भी वो सीखने की परंपरा में आगे बढ़े, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ कि उन्होंने अपने बड़े लोगों को तरजीह नहीं दिया, बड़े लोगों को तवज्जो नहीं दिया, और बड़े लोगों को तवज्जो ना देने की वजह से 2014 में भी लोकसभा के चुनाव में हार गए, 2017 में हार गए, 2019 में हार गए, 2022 में हार गए। हमारा अपना ये मानना था कि इनको तवज्जो देना चाहिए था, और अभी आजम खान के छूटने पे इनको वहां जाना चाहिए था, और ना जाते तो आदरणीय रामगोपाल यादव जी को भेजना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। गौरव मिश्रा जी, ये क्यों आरिफ महमूद कह रहे हैं कि आप लोग और हम लोग नहीं चाह रहे थे कि आजम खान बाहर आए, क्या दिक्कत है इनकी? मैं किसी को आजम खान से कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं समझ। आजम खान के पीछे जो वोट बैंक है, उस सस्ते वोट बैंक के बाजार से इनका लेना देना है जी। और किसी तरह से इनके खेमे में खड़े दिखाई दे, यद्यपि जनता ने बैलेट के बुलेट पे बैठा करके इनको फिर हाशिए पे बैठा दिया है, धकेल दिया है, ये अपनी सच्चाई से वाकिफ है अच्छी तरह से, और सत्ता के संघर्ष से जूझ रहे हैं, इनको किसी भी तरह से इनके कारण सत्ता चाहिए। और समाजवादी पार्टी आज इतने बड़े कंफ्यूजन में है, इतने बड़े संकट में है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ जाए किसके साथ नहीं जाए, और ये बात तय है कि ये जो गुबार है ये कहीं ना कहीं फूटेगा जरूर, और नए समीकरण में दिखाई जरूर देगा। और आप देखिएगा जो समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, जो समीकरण है, जो ताना बाना है, जो पिछले 25-30 साल से चल रहा था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। जो बसपा जिस कागार पे खड़ी है उसी कागार पर समाजवादी पार्टी खड़ी दिखाई देगी बहुत जल्दी, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति में कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं, और आपस में सिर्फ पटौवर का काम ये लोग कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ आपस में एक दूसरे से लड़ने का, दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। जनता से, जनता के मुद्दों से इनको कहीं दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं है। और रही आजम खान साहब के अपने कुकृत्यों की जहां तक बात है, तो न्यायालय देख रहा है, न्यायालय ने उनको बरी नहीं किया है, जमानत दिया है अभी, तो केवल जमानत पर इतना बड़ा ढिंढोरा पीटना, इतना बड़ा एक तरह से जश्न का आगाज करना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये आगाज तो मुंह से कर रहे हैं, जमीन पे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, साथ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी अनिर्णय की स्थिति में है। इनको भी समझ में नहीं आ रहा है किसके साथ जाएं किसके साथ ना जाएं, वॉच एंड वेट की नीति कभी अपना करके बैठे हैं। शिवपाल जी गए हैं, उनका अपना समीकरण हो सकता है, स्वाभाविक है, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, वो चाचा का सम्मान नहीं किया, तो वो दूसरों का क्या सम्मान करेगा। तो वो अपने तरीके से अपनी राजनीति को अखिलेश जी लेकर के चल रहे हैं, और आने वाले समय में देखिएगा अभी समाजवादी पार्टी की स्थिति, यद्यपि उनका अंदरूनी मामला है वो अपना स्वयं समझे, लेकिन स्थितियां विकराल हैं, विकट हैं, क्योंकि उनके जो लोग हैं, जिस तरह से उन लोगों ने शासन चलाया, सत्ता चलाया, वो कानून को ताक पर रख करके, संविधान को जूते की नोक पर रख करके सत्ता चलाने वाले लोग जनता ने अब नकार दिया है। अब इनके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं, और दूसरे विकल्प की ट्रेनिंग नहीं है, और जिसकी ट्रेनिंग नहीं है उसमें निर्णय अनिर्णय की स्थिति स्वाभाविक है, और ले नहीं पा रहे हैं, यही स्थिति है, इसलिए आपस में सिरफुटबल की स्थिति बनी हुई है इन लोगों की। ठीक है, मिसम जैदी है आप, आवाज मिल रही है आपको? मिसम भाई, मिसम भाई, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आप लोग उत्तर प्रदेश में 24 की तैयारी करेंगे, और विधानसभा सत्र भी है, क्या कहना? देखिए, जो भी रणनीति रहेगी वो सामने आ जाएगी, आपके माध्यमों से, आपके चैनल के माध्यम से जी, आपके रिपोर्टर हर जहां रहते हैं। नहीं, ये अभी ये हमारे रलोद से साथी हैं आरिफ महमूद, कह रहे हैं आप लोग कहीं नहीं दिखाई देते, आप कह रहे हैं हम हर जगह दिखाई देते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं
सुन रहा था इनकी बात को, हो सकता है हर आदमी के देखने का नजरिया अपना अलग अलग है, और जरूरी नहीं है कि जो पिक्चर सामने चल रही है उसमें सारे पात्र आपको दिखाई दे, और जरूरी नहीं है कि जिस सेना में सारे ही लोग गोली चलाने के लिए हो। हर आदमी का रोल अलग अलग होता है। जो हमारा रोल था वो हमने बाखूबी निभाया, हमें इस बात की कोई कहीं पर गिला शिकवा किसी से नहीं है। रही बात आज आजम खान जी की, और जेल से बाहर आ गए, आज ये हर्षोल्लास का दिन है, और सभी लोकतांत्रिक तरीके पर विश्वास करने वाले और सभी समाजवादी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए, और आगे एकजुट होकर के आगे की रणनीति को तय करके तमाम साम्यवादी सरकारों से और तमाम जो जारी हुकूमतें हैं और तमाम जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून को समाप्त करना चाहती है, देश के संविधान को खत्म करना चाहती है, उनके खिलाफ आह्वान करें, एकजुट होकर के लड़ने का कार्य करें। इस तरह से डिबेट में बैठ करके एक दूसरे को ये बताना कि मैं बहुत बड़ा आजम खान वादी हूँ, या मैं बहुत बड़ा समाजवादी हूँ, और मैं बहुत बड़ा लोकतंत्र को बचाने वाला हूँ, इसके कह देने से, अपने मुंह मियां मट्टू बनने से कोई फायदा नहीं है। पुरानी कहावत है, देख से ज्यादा चम्मचों को जो है वो जरूरी नहीं है उछलने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, ये उनके उनके पार्टी की अपनी अपनी राय नीति हो सकती है, मगर उनके मुखिया की ऐसी कोई राय नहीं। और समाजवादी पार्टी में हमेशा से आजम खान जी का इस्तकबाल रहा, उनका स्वागत रहा, उनका सम्मान रहा, और वो बाकी भी रहेगा इसी तरह से। और मुझे नहीं लगता कि माननीय आजम खान जी थे समाजवादी पार्टी से भी बड़ी कोई पार्टी है जो उनको इतना सम्मान दे सकेगी। ये वक्त की बात है, धीरे धीरे सब कदम भर जाएंगे। और रही बात परिवार में, इस तरह की जब कोई बात होती है, आजम खान जी इतने साल से जेल के अंदर थे, आपने देखा कि ऊपर किस किस तरह के आरोप लगाए गए हैं, और मैं आपको नितिन जी मैं बताना चाहता हूँ कि जब इस तरह के आरोप अंडा चोरी, साइकिल चोरी, भैंस चोरी के लगेंगे इतने बड़े कद्दावर नेता के लिए, कि जिनको देश की और प्रदेश की जरूरत हो उनको जेल में थूक दिया जाता है, किस तरह से ये सोचे हो गई है आप? अभी आप किसी नॉर्मल आदमी के खिलाफ जाइए और जाकर के चोरी का मुकदमा करने के लिए चले जाइए तो कोतवाल जी आपको महीनों दौड़ाएंगे कि सबूत लेकर के आओ, गवाह लेकर के आओ। और इतने बड़े नेता को आपने इतने छोटे छोटे मुकदमों में डाल दिया, क्या यही लोकतंत्र है? क्या ये सच्चाई है? क्या यहाँ पर जो प्रवक्ता बैठे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या ये बात में जो है वो इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इतने बड़े नेता को इसी तरह से? और फिर उनका जाहिर सी बात है कि उनकी एज हो चुकी है और उनकी अब वो चीजें, उनकी वो मानसिक स्थिति उस तरह की नहीं है कि कोई वो फैसला फौरन कर दे। जेल के अंदर का जीवन और बाहर के जीवन में नितिन जी बहुत फर्क होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि उनको जेल के अंदर जो बातें बताई जाती थी, हो सकता है उनको कुछ नाराजगी हो, मगर मुझे यकीन है कि वो बाहर आकर के जब परिवार के बीच में अपने बैठेंगे और जब उनके बेटे और उनकी धर्मपत्नी कोई बात बताएगी, तो मुझे लगता है जरूर उनको उस पर भरोसा होगा। और परिवार से ज्यादा किसी का आजकल कोई चाहने वाला नहीं है, इतने लोग भी बन रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आजम खान की जगह आपको इतने सारे महीने जेल में ठूक देंगे, तो आप उनके 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 बिहार पर जेल जाना चाहेंगे, तो कोई भी राजी नहीं होगा। नितिन जी, कितने बड़े भी आजम खान वादी बन जाए, हर आदमी अपना मुर्दा खुद होता है। और रही बात आजम खान की, तो वो जेल के अंदर थे, अब वो जेल के बाहर है, और उनको समझाने और समझने के लिए अभी उनमें इतना विवेक बचा है कि वो समझ लेंगे। हमें नहीं लगता किसी को उनके ऊपर जो है वो झूठी चापलूसी करने की जरूरत है, बातें समझाने की जरूरत है। माननीय आजम खान जी खुद समझदार, ठीक है। सुभाष यादव जी, नितिन जी बिल्कुल मिसम भाई ने जो बोला बिल्कुल सच्चाई वाली बात है। जैसे कि 23 तारीख को विधानसभा सत्र भी चालू होने वाला है, उस समय पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आजम खान साहब का स्टैंड क्या है। लेकिन आज जो घटना हुई उसके अंदर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि जैसे कि आजम खान साहब जब जेल से अगर निकल रहे हैं, तो उस समय प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी उनकी अगवानी करते हैं, और उसके ठीक ही बाद आजम खान साहब वहां से सीधे जेल रोड के पास ही, जो शायद अनूप गुप्ता हैं जो कि भारतीय इसके समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उनके आवास पर जाते हैं और वहां से रिफ्रेश होकर पूरी तरीके से फिर वो रामपुर के लिए रवाना होते हैं। तो जो दोनों इंसिडेंट हुए हैं और दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ, ये दोनों चीजें बहुत कुछ कह देती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो प्रसपा खेमे में जाएंगे या किसी और खेमे में जाएंगे, लेकिन जो भी चीजें होगी, जो भी तस्वीर होगी, वो 23 तारीख को सामने आ जाएगी। यहाँ पे गौरव जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये वास्तविकता जो है आजम खान साहब को लेकर लड़ाई नहीं हो रही है, ये वोट बैंक को लेकर लड़ाई हो रही है कि मुस्लिम वोट कहाँ जाए। जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों ने प्रचंड वोट दिया समाजवादी पार्टी को, ये अलग बात है कि सरकार नहीं बना पाए। अब ले दे के लड़ाई यही कि आजम खान साहब किस खेमे के अंदर जाए, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, 10-12% उसका वोट बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं 2022 के 2024 के अंदर जो लोकसभा के चुनाव होंगे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से लड़ाई होगी तो समाजवादी पार्टी से होगी,
और ये परसेंटेज जिस प्रकार ये 64 पे थे या 49 पे थे, 122 125 पे इनका गठबंधन आया है, अगर यही परसेप्शन रहा और यही वोट परसेंटेज अगर इनका बढ़ा तो शायद जो समाजवादी पार्टी आज 5 सीटों पर सीमित है 15 से 20 पर भी आ सकती है। इसी चीजों को ध्यान में रख के सब समीकरण बिठा रहे हैं। लेकिन बहरहाल आजम खान कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे इसकी खिंचातानी छोड़कर यहीं पे 23 तारीख को देखा जाएगा वो कहां बैठते हैं। ठीक, आरिफ महमूद कुछ कहना चाहते हैं? अब मैं, मुझे क्या कहना है साहब, अभी मैं बोलूंगा तो फिर आप ही कहेंगे कि आरिफ साहब मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। अरे भाई आप, अभी जैदी साहब से आपने एक गलत बात कह दी कि आरिफ साहब कह रहे हैं कि आप कहीं दिखते ही नहीं है। मैंने जैदी साहब को क्यों कहा, वो तो मेरे गठबंधन में दिखता हूँ, आपने ये कहा। हाँ, तो मैंने अपने लिए कहा है। नहीं, वो समझ नहीं पाए, उन्होंने सारी प्रतिक्रिया मेरे ऊपर कर दी और आपने टोका भी नहीं उनको। मैं अपने लिए बोल रहा था भाई, आपने अपने लिए कहा, जैदी साहब ने अपने लिए समझा, आप मुझे क्यों और वो हमारे ही गठबंधन के प्रवक्ता हमारे ही ऊपर सारी आलोचना कर दी उन्होंने। क्यों टारगेट करके बैठे? नहीं, आपको टारगेट कुछ कह रहे हैं। नहीं 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 आरिफ जी, हमने आपको नहीं कहा, मैंने इस तरह से लोगों को बताया जो अटकलें लगा रहे हैं उनका विराम खंड लग जाएगा। अब माननीय आजम खान जी सब बाहर आ गए हैं, वो अपना फैसला करना जानते हैं। और रही बात ये कि आप और हम हो या जो भी हो, जो भी लोकतंत्र को बचाना चाहता है, जो भी सामंतवादी सरकारों के खिलाफ लड़ना चाहता है, वो एकजुट है, वो आप है हम है। माननीय जयंत सिंह जी भी यही चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे और राजतंत्र ये। जैदी साहब जस्ट मिनट, अब मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, आजम खान साहब का हो मामला, शिवपाल जी को का मामला हो, ये सब पहले एक ही थे। अब ये लोग कहाँ खड़े होते हैं, समाजवादी पार्टी उसी गठबंधन से अभी रिलेटेड हैं सारे लोग। 23 तारीख को सब डिसाइड हो जाएगा कौन कहाँ रहेगा। अब रहा सवाल राष्ट्रीय लोक दल की बात, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि हम गठबंधन में हैं। हम लोग सरकार की जो कमियाँ होती हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर करंट है, उस पर राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के लखनऊ, पूर्वांचल, हर जगह हम खड़े होते हैं। वो बात एक अलग है, आपको हम कहीं ना दिखें। अरे हाँ, आप हमारी चीज आप कहीं ना दिखें, कैसी बात कर रहे हैं, कैसे देखेंगे आप, मुझे बताइए। आप मुझे बता दीजिए कि जब से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का नतीजा आया है, आपने कितने प्रदर्शन सड़क पर उतर के किए? एक सेकंड, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपको बताया, आप विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? आप बताइए तो मुझे। नहीं, मैंने आपसे बताया ना, मुझे बताइए, मैंने आपको, अब आज मैंने उसी दिन आपको बताया था। अरे आप मुझे अभी बताइए ना। आज से करीब 20-22 दिन पहले मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिलाधिकारी को तहसीलों में जा करके, हमारे सारे जिलाध्यक्षों ने, मैं लखनऊ में भी था, हर जगह हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन ठीक है, नहीं आपने ज्ञापन दिया, मैं मान रहा हूँ आप गए होंगे, ज्ञापन आपने बंद कमरे में देकर के आप चले आए होंगे। आप सड़क पर कब उतरे थे आखिरी बार, ये बताइए। अरे भाई, सड़क पर उतरे, जुलूस लेके गए, बैनर लेकर के गए, अब कैसे जाया जाए? वही तो मैं मानक पूछ रहा हूँ आपसे। क्या चीज, आरिफ जी की उम्र में जो है टांग टूट जाए, क्या चाह रहे हैं? अरे तो मैं आरिफ भाई से तो पूछ लूं पहले, आरिफ भाई से तो पूछ लूं। नहीं नहीं, मैं ये जैदी भाई जस्ट मिनट, एक मिनट, आप मुझे ये बताएं क्या मानक है संघर्ष का, वो संघर्ष राजनीति के लोग अपनाएं, आप बताइए कुछ। आपको लग रहा है कि जिन नेताओं के लिए आज यहाँ पर ये चर्चा हो रही है या जिन नेताओं ने ये लड़ाइयां लड़ी हैं, वो नेता भी इसी तरह से ज्ञापन देकर के घरों में बैठ जाते थे? क्यों, जब जरूरत आती है तो हम लोग सड़क पर निकल करके, आज तो जुलूस लेकर। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया क्या जी? मैंने जो कहा कि आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, जिन नेताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये नेता भी इसी तरह से ज्ञापन देकर घरों में बैठ जाते थे? और क्या करते थे? ज्ञापन देते थे, सुभाष यादव ज्ञापन देते थे, सारी चीजें देते थे। सुभाष यादव, जस्ट मिनट, सवाल सवाल पूछा, जवाब दीजिए। सुभाष, नहीं सवाल पूछा, जवाब दीजिए। बातें करिएगा आप उससे, पहले आप जवाब लीजिए। नहीं नहीं, आप नहीं बताएंगे मुझे। सुभाष यादव कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए पहले। अरे भाई बहुत हो गया आपका, ठीक है? हाँ मैं देख रहा हूँ, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है? सुभाष यादव, सुभाष यादव क्या देख रहे हैं आप लोग? सुभाष यादव क्या कह रहे हैं? मिसम भाई और आदरणीय अवतारा जी, मैं आप दोनों को संबोधित करके सवाल इनकी तरफ दाग रहा हूँ। आप लोगों ने शुरुआत, डिबेट जब हुई थी शुरुआत की, तब आप लोगों ने आजम खान साहब की बात की और आपने बोला 1992 के अंदर जब पार्टी बनी उसके संस्थापक सदस्य थे, संघर्षों के साथी रहे। और अभी जब ज्ञापन की बात आई, जब इन्होंने पूछा नितिन बयान है कि ये लोग जो थे पुराने नेता जिन्होंने संघर्ष किया, क्या ये लोग भी संघर्ष करते थे या सिर्फ ज्ञापन देकर ही कमरों के अंदर बैठ जाते? इन्होंने क्या बोला? वो भी ज्ञापन देकर कमरों के अंदर बैठ जाते? नहीं नहीं, ज्ञापन मानक क्या होता है भाई, मुझे बताओ। आप ना लेकर जो लड़ाई हो रही, आप गलत बोलते हो, सुनिए। नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत बोलते हैं, मैं ये कह रहा हूं आप मानक
आपको संघर्ष का मानक मैं मानक बताता हूँ आप ही लोग इस डिबेट में या अन्य चैनलों की डिबेट में ये कहते हैं कि जब महंगाई बढ़ी थी, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे, तो बीजेपी के कई सारे नेता सिलेंडरों को लेकर के सड़कों पर बैठ गए थे। गलत बात है ये कि आप नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, तो आप क्यों नहीं करते हैं वो चीज? ये मानक होता है। कितना प्रदर्शन किया इस तरह का आपने? उसके आगे भी तो पूछिए, उसके आगे ये कहते हैं कि आज जब सिलेंडर, जब कांग्रेस का पीरियड था और ये रेट बढ़ गए थे, तब तो आप सिलेंडर लेकर बैठ गए। आज आप आसमान छू रहा है सिलेंडर के रेट। आप कहां बैठे सिलेंडर लेकर के? आप बैलगाड़ी लेकर के कब गए? देखिए आप फिर वही घूम फिर के, आप फिर घूम फिर के बीजेपी पे आ गए। आप फिर घूम फिर के बीजेपी पे आ गए। नहीं नहीं नहीं, पुलिस रोकती भी है हम लोग। आप फिर घूम फिर के बीजेपी पे आ गए, वो फिर आप घूम फिर के बीजेपी पे आ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिलेंडर लेकर के कब बैठे थे, मुझे ये बताइए। आप बीजेपी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? क्या मैं तो हर बार पूछता हूँ? आप तो ये महंगाई लेकर के, चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपके पास जवाब नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं आपके पास जवाब, आपके पास जवाब नहीं है। सुभाष जी, सुभाष जी, पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। पूरा कीजिए, देखिए जब आप सवाल पूछ रहे हैं आरएलडी प्रवक्ता आरिफ भाई से, तो सीधा चिड़चिड़ा रहे हैं ये। नहीं गैस लेके बैठे गए होटल, नहीं धरना दिए, नहीं आंदोलन किए। जिस आजम खान साहब को लेकर डिबेट हो रही है, उस आजम खान को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया कि वो भी क्या बंदे के घरों के अंदर बैठ जाते थे, उनके संघर्षों को भूल गए, झूठ बोल रहे हो, को भी भूल गए आप, झूठ बोल रहे हो, अपने घरों के अंदर बैठ जाते सब लोग, झूठ बोल रहे हैं। ये है आरएलडी का दूसरा रूप, ठीक है, समय कम है, समय कम है, कोई जवाब नहीं, सिर्फ समय कम है, समय कम है, समय कम है, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो आजम खान एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जमानत पर जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन उनको और उनके वोट बैंक को लेकर के अब राजनीतिक दलों में काफी रस्साकशी मची हुई है। आपने भी देखा होगा इस डिबेट के जरिए भी कि सवाल पूछने पर जवाब कुछ और मिल रहा है, लेकिन जो मूलभूत मामले हैं उन मामलों को लेकर के किसी ने भी अभी तक उत्तर प्रदेश में आवाज नहीं उठाई है। टीवी डिबेट्स में महंगाई, टीवी डिबेट्स में बेरोजगारी पर चर्चा करना ठीक है, लेकिन सड़क पर उतर करके विरोध करना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भूल चुके हैं। फिलहाल आज के इस डिबेट में मुझे दीन अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।